वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे भी। इन उम्मीदों के साथ हम आज आपकी ये ट्रिकी मैथ शुरू करते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है इस क्लास का कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी में लगे हों, कोई भी परीक्षा देते हों, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो याद रखिएगा, ये किसी एक के लिए विशेष नहीं है और किसी के लिए ये नुकसानदायक भी नहीं है, क्योंकि जो इस क्लास में सवाल होंगे लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सभी कॉम्पिटिशन की एग्जाम में जो सवाल आते हैं उनको आपको 20 से 30 सेकेंड के अंदर हल करना पड़ता है। सवाल होता आधा पेज का, लेकिन उसका उत्तर देना होता है आधा मिनट में, मतलब उससे भी कम में। तो देखिए, इसका भी आपको कुछ जवाब ऐसे ही देना है जल्दी में, ठीक है? तो आप लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी प्रत्येक सवाल का जवाब देंगे और हर दिन देखेंगे एसएससी, आरआरबी, बैंक, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, राजस्थान की परीक्षा हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे केरल, चाहे कर्नाटक, ऑल इंडिया की कहीं की भी हो, आयु यानी कि एज पर रिलेटेड अगर सवाल आते हैं तो ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। 20 वर्ष पूर्व ए की आयु जो है वो बी की आयु की आधी थी। 20 वर्ष पहले की बात हो रही है, ए की जो आयु थी वो बी की आयु की आधी थी। मतलब जैसे अगर 20 वर्ष पहले जो रमेश आज है, रमेश भी है और सुरेश भी है, तो 20 वर्ष पहले रमेश 40 साल का था और सुरेश 20 साल का था। इसका मतलब ये है कि 20 वर्ष पहले रमेश 40 साल का था और सुरेश 20 साल का था। इसका मतलब यही बता रहा है कि 20 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की क्या थी? आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3 और 4 है, मतलब प्रेजेंट टाइम में उन दोनों के आयु का अनुपात 3 और 4 में अनुपात है, तो वर्तमान आयु का योग क्या होगा? मतलब अनुपात दिया गया आपको, वर्तमान आयु को जोड़ करके बताना है कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने 45 वर्ष, 75 वर्ष, 70 वर्ष। ट्रिक भी आपके सामने है, अब मैं आपको ट्रिक में मान रखना बताऊंगा। कमेंट कर दिए सभी लोग, पहले का जवाब कितना आएगा? अगर ए है तो आप लिखेंगे 1A, अगर सी है तो लिखेंगे 1C, इस तरह का डी है तो लिखिए 1D। हो गया, अब हम ट्रिक पे चलते हैं। इसकी ट्रिक होगी xp-n/yp-n = a/b। मतलब समझिएगा, यहां जो x और y है वो क्या है? अनुपात है। क्या है? अनुपात का मान रखेंगे आप एक्स वाई की जगह पर, ठीक है? या फिर आप इसे ऐसे समझ लें कि जो 3-4 का अनुपात है ना, 3-4 का, उसे आप ऐसे लिख देंगे, कैसे? ये 3p/4p, बस 3p/4p लिख दीजिए, या फिर 3x/4x, या 5, मतलब 3b/5b/4b, मतलब इसके साथ कोई एक आपको क्या करना है, चर पद लगाना है, मतलब 3-4 के साथ कोई एक चर पद लगा के लिखना है। तो बस इसमें मान रख दीजिए एक्स वाई जो है वो क्या है, अनुपात के मान है। तो रख देते हैं x का मान 3 है, फिर p को ऐसे रहेगा, n क्या है, n है समय, समय कह रहा था 20 वर्ष ना, तो लिख देंगे 20। नीचे y क्या है, अनुपातिक मान है भाई, x का मान 3 था, y का मान 4, तो ये हो गया 4 और p माइनस क्या हो गया 20। और a/b दो लोग की बात हो रही है, a मतलब 1 और b मतलब 2, तो ये 1/2 हो जाएगा। समझ में आया? नीचे दिख रहा कि नहीं? अगर नहीं दिख रहा है तो बता दीजिएगा, मैं आगे कर देता हूं। बिल्कुल दिख रहा है ना, तो बस हल कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए इसका इसमें और इसका इधर, तो ये आपका बन जाएगा 3 × 2, समझिएगा कैसे हो रहा है, 2 का गुणा करेंगे 3p में और फिर 2 का गुणा करेंगे 20 में, तो जब 2 का गुणा 3p में करेंगे तो हो जाएगा 6p - 2 का गुणा 20 में करेंगे हो जाएगा 40। इतना क्लियर है? अब 40p - 20 का गुणा 1 में करेंगे, जब 1 में किसी का गुणा करते हैं तो वही आता है जो रहता है। इतना समझ में आ गया? अब आप यहां से p का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6p, ये इधर आएगा 4p और ये -20p ऑलरेडी उधर है, ये उधर जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 40p। इतना बात समझ में आ गई ना? ये घट जाएगा आपका, कितना आएगा 2p बराबर घट जाएगा, आएगा 20, ठीक है? वो भी प्लस में 20 आएगा, क्योंकि देखिए प्लस वाली गिनती बड़ी है और p की वैल्यू यहां से 2p = 20 है ना, नहीं दिख रहा होगा तभी हम आपको दिखा देंगे। नीचे मैंने लिखा 2p = 20, तो p की वैल्यू यहां से 10 आ जाएगी, कितना आ गया 10। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, दिख भी रहा है ना? हाँ बिल्कुल, p का मान क्या आ गया, 10 आ गया। तो बस हो गया क्लियर, अगर p की वैल्यू 10 आ गई
तो आप इसे क्या कर सकते हैं, योग निकालना है ना, योग निकालना है, सिंपल सी बात है, जोड़ दो ना भाई, पी की वैल्यू टेन आ गई, तो चलिए तीन पी धन ये कितना हो गया, चार पी, जोड़ दीजिए दोनों का योग निकालना था, हमने इसको माना था ना, तीन पी और चार पी, ये जोड़ेंगे सात पी हो गया, पी की वैल्यू टेन आई, टेन से गुणा कर दीजिए, इक्वल कितना हो गया, सत्तर वर्ष। समझ में आ गया, इस तरह का जो भी सवाल होगा आप ऐसे ट्रिक में रखेंगे, क्वेश्चन का टाइप याद रखिएगा, अगर इस टाइप का आता है तो, कि किसी की मतलब दो लोगों की आयु की बात की जा रही हो, कि कुछ वर्ष पहले उनकी आयु जो थी वो कुछ थी, मतलब एक दूसरे की आधी थी, फिर वर्तमान आयु में अनुपात दिया है, तो अगर आयु का योग पूछा जाएगा तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। कौन सी ट्रिक, एक्सपी माइनस एन वाई पी माइनस एन अब इक्वल वन अपान ए अपान बी, समझ गए ना, ए अपान बी मतलब एक बटा दो रख दीजिएगा, एक्स और वाई का मान क्या रखेंगे जो अनुपात में दिया होगा, और पी की जगह पर पी ही रखेंगे, मैंने इसको चार पद के रूप में प्रयोग किया, इसमें कुछ भी नहीं करना, और आगे बात समझ में, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। चले आगे फिर, अब अगला सवाल देखिएगा, इसी में मैं आपको थोड़ा सा बदलाव करके दूंगा, उसको आप लोग बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसी सवाल में बदलाव कर देता हूं, थोड़ा सा रुकिएगा, देखिए मैंने सवाल को और क्लियर कर दिया है, अब जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, दूसरा सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइए। अब जो 20 वर्ष था ना उसको 30 वर्ष कर दिया है, 10 वर्ष बढ़ा दिया, अब उत्तर बदल जाएगा, जल्दी से कमेंट करें इसका उत्तर क्या आएगा। ट्रिक आपके सामने है, एक्स पी माइनस वन अपॉन वाई पी माइनस एन, माफ करिएगा मैंने वन बोला था, यन है, यन यन एन फॉर नाइट्रोजन इक्वल ए अपॉन बी, जल्दी से इसको ट्रिक लगा के बताएंगे क्या आंसर आएगा, ये सारा मतलब लिखा गया इधर, कौन क्या किसका मतलब क्या है, फिर हम अगला सवाल देखते हैं, जल्दी करिएगा, तुरंत कमेंट करिएगा, फटाफट देर नहीं, और याद रखें हर दिन ट्रिकी मैथ की क्लास रात्रि 8 बजे से, रात्रि 8 बजे से ट्रिकी मैथ की लाइव क्लास होगी, रात्रि 8 बजे से प्रत्येक दिन मंडे टू सैटरडे। देखिए इसी में आपका अगला सवाल आ चुका है, ये ट्रिक थोड़ी अलग टाइप की है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो तुरंत बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी बोलिएगा तुरंत, बिल्कुल देर ना करते हुए, ठीक है ना। देखिए ये सवाल किस टाइप का होगा, सभी सवालों के लिए है इस तरह के, यदि टी वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात जो है पी क्यू हो जाए, मतलब कोई निश्चित समय दिया हो, उतने समय के बाद दो व्यक्तियों के जो आयु का अनुपात है वो कुछ और हो जाए, इस तरह के सवाल आते हैं, मतलब अगर टी वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात जो है पी क्यू हो जाए तो आप ये ट्रिक लगाएंगे, एक्स पी प्लस टी अपान वाई पी प्लस टी इक्वल पी अपान क्यू। अभी आपने इसी ट्रिक का प्रयोग किया था पिछले तरह के सवाल में, लेकिन उसमें आपने इसमें माइनस किया था, बाकी वही तरीका होगा, वो थोड़ा हटके था ना, उसमें पहले की आयु की बात की जा रही थी, इसमें पहले की आयु का कोई मतलब नहीं बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें बाद की आयु की बात हो रही है। प्रकाश और उसके मित्र की वर्तमान आयु में चार और तीन का अनुपात है, कितने का अनुपात है, चार तीन का अनुपात है। आठ वर्ष बाद, देखिए बाद की बात करते हैं तो हमेशा जोड़ते हैं, है ना, आठ वर्ष बाद यह अनुपात 22 और 17 हो जाएगा, तो मित्र की वर्तमान आयु क्या होगी, मतलब प्रकाश के मित्र की वर्तमान आयु क्या होगी, प्रकाश और उसके मित्र की जो वर्तमान आयु में अनुपात है इस समय आज वो चार तीन है, मतलब चार और तीन का अनुपात मतलब जान रहे हैं, अगर प्रकाश 40 साल का है तो उसका मित्र 30 साल का है, ये रिलेशन है उनकी आयु में, तो कह रहा है कि आठ वर्ष बाद ये अनुपात 22:17 का हो जाएगा, तो फिर उसके मित्र की आयु क्या होगी, ये ट्रिक लगाइए फटाफट। देखिए कैसे रखते हैं मान, गौर करिएगा, मैं यहां हल करता हूं, अच्छा रहेगा जगह है, x और y का मतलब जो अनुपात दिया है, x की जगह पे चार, y की जगह पे तीन, तो x की जगह चार रखेंगे हो गया चार, p की जगह पे आप p वैसे रख देंगे, प्लस t की जगह पे वो समय रखेंगे जिसकी बात हो रही है आठ वर्ष, तो आठ रख दिया, नीचे y की जगह पे अनुपात का दूसरा मान तीन, p वैसे रहेगा और प्लस ये हो गया आठ, क्लियर। पी क्यू का मतलब क्या हुआ, जो लास्ट में हो जाता है, ये है ना, पी क्यू हो जाए, मतलब 22:17 हो गया है, तो आप इसको रख देंगे 22 और 17, यहां से मान निकाल लीजिए फटाफट, आपका उत्तर आपके सामने है, इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे
तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से, कैसे 17 का गुणा होगा इसमें पूरे में, तो ये हो जाएगा 17 चौका 68 पी, और 17 का गुणा 8 में होगा 17 सत्ते 119, 17 8 136 होता है। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता तो कमेंट करिएगा, हमने पहाड़े की ट्रिक आपको बताया है, आप 50 तक पहाड़े याद कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। 22 का गुणा करिए इधर, 22 66 पी, और प्लस 22 का गुणा 8 में कर लीजिए। अब आपको अगर 22 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप 8 से गुणा कर लीजिए 22 में, तो 8 × 16 = 6 हासिल आए, 1 × 8 = 16 = 17 176 घटा लीजिए, ये हो जाएगा आपका 68 पी - 66 पी और इक्वल 176, ये उधर जाएगा 136 घट जाएगा, इस तरह से आपका 2 पी बराबर आएगा कितना, घटा लीजिए 40 आएगा ना, 40 तो आएगा, तो ये घटा लीजिए भाई कितना आएगा 40, और यहां से पी बराबर कितना आएगा आपका, अरे भाई 40 है 2 पी बराबर 40, तो पी बराबर आ गया 20। पी की वैल्यू कितनी आई, 20 आई, आई 20, जोड़ लीजिए 4 3 7, जल्दी से करिए फट से, आगे बढ़ते हैं, फिर 20 मार रख दीजिए, उसके बाद आ गया आपका उत्तर 60 वर्ष। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि 20 मान रखेंगे कहां आखिर, है ना, 20 कहां रखेंगे, तो मैं बताता हूं कहां रखेंगे, ध्यान दीजिए, जैसे ये 4 3 है ना अनुपात, इसका मतलब जो प्रकाश का आयु था वो 4 पी था और उसके मित्र का था 3 क्यू, है ना, या फिर 3 पी, ये भी लिखिए पी, क्योंकि दोनों का पी मतलब हो रहा है ना, 4 पी अनुपात 3 पी, तो प्रकाश की आयु से कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना है उसके मित्र की आयु, कह रहा है उसके मित्र की वर्तमान आयु क्या होगी, इसका मतलब हमें इस 3p से मतलब है, किससे मतलब है 3p से, तो रख दीजिए ना 3p में, p का मान कितना रखेंगे 20, तो इस तरह से क्या आ जाएगा 60 वर्ष। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है दिल खोल करके कमेंट करें बिल्कुल बिना टेंशन के, समझाने की पूरी गारंटी होगी और जिम्मेदारी होगी अगर आप समझेंगे तो। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से देखिए, दोबारा देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, समझ में आ जाएगा, और अगर आप समझ गए तो इस क्लास को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और चलते चलते अपने दोस्तों को शेयर करके जाइएगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो वीडियो को फिर से प्ले करके लिख लीजिए, और हाँ हर दिन क्लास करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9793 इस नंबर की व्हाट्सएप स्टेटस को चेक करते रहें। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया, यानी कि बेल के बटन को नहीं प्रेस किया है, तो हो सकता है आपको क्लास ना मिल पाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखें। बिल्कुल आपकी 5 मार्च से सभी क्लास एकदम टोटली फ्री कर दी गई है, जो आप लोग कुछ पेमेंट वगैरह करते थे वो सब बिल्कुल एकदम आप मैनेज किया जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। अगर आप स्पेशल क्लास नहीं चाहते तो आपको सामान्य क्लासेस सभी फ्री मिलेंगी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से अगली क्लास के साथ आपके सामने हूंगा, इन्हीं उम्मीदों के साथ चलते हैं। चलते चलते आपसे बता दें कि अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है आपको, और हाँ फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, और बहुत से महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन अवश्य पढ़िएगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।